देखिए आज ही के दिन 100 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को बताया गया था तो ये क्या है हैंड्रेड एनिवर्सरी है इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर आर्किटेक्चर एग्जाम के लाइक जेई ना तो ही नाटक लिए तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे तो जैसा है हार्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन तीनों का मतलब लगभग सेम है लाइक कहना सेम चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये आर्टिकल लिया गया था हिंदू का मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनती है तो वहाँ से आर्टिकल मैंने पढ़ा है वहाँ से इनफॉमेशन गैदर करके आपको बता रहा हूँ मैं हड़प्पन सिवाइशन रिमेन इवन आफ्टर हंड्रेड ईयर्स ऑफ द एक्सप्लोरेशन वह क्या था कि एक न्यूज़ पेपर हुआ करता था लंडन न्यूज़ के नाम से पहली बार आज ही के दिन ट्वेंटियप्टेम्बर नाइनटीन ट्वेंटी को ये उसी कटिंग है फ्रंट पेज ऐसा था यहाँ पर पहली बार उसको दिखाया गया था कि एक नई सिविलाइजेशन पूछनी गई है और तभी सही इसकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है वेकेशन स्टार्ट होता है फिर आज के बारे में कई सारी चीजें हम लोग इसके कारण पढ़ते हैं ठीक है तो यही है आप चाहें इस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा आर्टिकल यही है इट्स मार्क द दंड एनिवर्सरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन विच वॉज फर्स्ट टू द द्लोबल इन द आर्टिकल ऑफ न्यूज एंड हंड्रेड बैक ऑन दिस डेट ठीक है आपको जो याद रखना है कि दैट टाइम डायरेक्ट जनरल जो हुआ करते थे जॉन मार्शल थे उन्हीं के काम की वजह से इनको ये अटेंशन मिली थी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को तो जॉन मार्शल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ठीक है ये कौन थे डायरेक्ट जनरल थे ऑफ ए एस आई ए एस आई फुलफॉर्म क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि वॉट इज द फुलफॉर्म ऑफ द ए एस आई लास्ट ईयर चेक कर लीजिए जेई पेपर टू के अंदर तो इसलिए आपको याद रखना है कि दोबारा पूछा जा सकता है उससे पहले पूछे जा चुके हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फिल्म हम याद रखेंगे उस टाइम के कौन थे जॉन मार्शल हुआ करते थे और इनको बोला गया कि एज सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने बात की एक और याद कर लीजिए फैक्ट है कि सबसे पहले कॉपर आता है कॉपर सिविलाइजेशन आती है फिर ब्रॉन्ज आती है और बाद में आती है आय कॉपर को हम समझ सकते हैं कंटेम्प्रेरी स्टोनेज और ब्रांज को समझ सकते हैं लाइक हिंडस वैली सिविलाइजेशन से और आयरन को समझ सकते हैं वैदिक टू ए मोर प्रिसाइज ले कोशिश की जाती है एंड दिस मार्क बिगिनिंग ऑफ दीरियड देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो पब्लिक की हुई है अगर आप सर्च करेंगे या फिर मैं उसका आई बटन डाल दूंगा उसको आप देख लीजिएगा डिटेल में समझाया हुआ है आज हम उसे डिस्कस नहीं करने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे डीटी में फायदा नहीं ला, है लाइक ऑलरेडी आ चुकी है तो यहाँ पर वो चीज़ है द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलसो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविलाइेशन अली और हेल्पमेंट सिविलाइजेशन एक ही बात है बॉज हाईली एडवास सोसाइटी इन द व वेरियस फील्ड चाहे टाउन प्लानिंग बारे में बात करें चाहे इंजीनियरिंग के बारे में बात करें चाहे वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करें हर फील्ड के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एक उन्नत सभ्यता हुआ करती थी डेवलप्ड सोसाइटी हुआ करती थी अब जैसे रोड जो हुआ करते नाइन डिग्री पर कट हुआ करती थी लाइक ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे जो उनकी नालियाँ थी ड्रेनेज बेसिन हुआ करता ड्रेनेज सिस्टम हुआ करती थी कवड हुआ करती थी पानी का एक हाई लेवल से लो लेवल फ्लो करता है तो उसको मैनेज किया जाता था लाइक पूरे सिटी के अंदर कोई भी वाटर का इन्फ्लो नहीं हुआ करता था इस सबसे चलता है ग्रेविटी बारे में इनको जानकारी थी लाइक हाउ कैन यू से इन दिस वैली पीपल न्यू अबाउट द ग्रेविटी क्यों ग्रेविटी का मतलब क्या है कि वाटर जो क्वालिटी क्या होती है वाटर विल ऑलवेज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल ऐसे फ्लो करता है तो इसका मतलब क्यों फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी तो ग्रेविटी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे बनाएंगे ये सब चीज़ें तो यही चीज़ें सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड एडवांस सिस्टम ऑफ द हार्वेस्टिंग वाटर पानी को हार्वेस्ट करना बिल्डिंग रिजर्वर्स वेयर हाउसेज ग्राउंड ड्रेनेज एंड फोर्टिफिकेशन जो सिटीज आपको देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड होते थे इट लुक लाइक दिस मतलब ये था ईस्टर्न टाउन ये था वेस्टर्न टाउन हम हाँ उसको बोलते थे लोअर टाउन और इसको बोलते थे अपर टाउन या टाउन एक ही बात है तो जो भी सिटीज़ हमें देखने को मिले हैं जो साइट्स हमें देखने को मिली हैं दो पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी ईस्टर्न पार्ट वॉज फॉर दी आम जनता वेस्टर्न पार्ट फॉर दी लाइक द फोर्टिफिकेशन हुआ करता था सिरबल उसको बोलते थे अब इसके बारे में डिफरेंस व्यूज़ हैं कुछ लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं था सोसाइटी वाज क्वाइट इगल्टेरियन यहाँ पर कोई भी असमान्यता नहीं हुआ करती थी कोई ऊपर या ऊंचा नीचा नहीं था सिर्फ बोलते सिरडेल क्यों बनाया गया था वो बोलते हैं पब्लिक और जो बिल्डिंग्स थी वो बनाई गई थी लाइक ग्रेनरीज रखी गई थी पब्लिक बात रखा गया था लेकिन सबके अलग अलग व्यूज हैं कुछ कन्फर्म कुछ नहीं है अपने जो हिस्टोरियंस होते हैं आर्कोलॉजिट हैं अपने अपनी राय देते हैं लेकिन आपको ये चीज समझ नहीं है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ करता था एक फैक्ट आप याद रखेंगे और भी अच्छा रहेगा कि पूरे के पूरे लगभग पांच साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट जो अब भी मिली है लाइक मिले तो पहले थी लेकिन अभी तक जो मिली है इट इज अ धोलावीरा वीरा विच इज डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि धोलावेरा अकेली एक ऐसी साइट है जिसका डिवीजन तीन पार्ट में देखने को मिला है और बाकी जो सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उसमें दो ही पार्ट हैं लोअर टाउन अपर टाउन बट धोलावेरा के अंदर अपर टाउन बिल टाउन एंड लोअर टाउन देखने को मिला है तो ये वाला फैक्ट पूछा जा सकता है याद रखिएगा सो द क्राफ्टमैनशिप शिप वॉज हाईली डेवलप्ड एज सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रॉन्दर आर्टिफेक्ट्स पेंट टेराकोटा प्रोडक्शन अपन स्मॉल सीन विद डिजाइनिंग रियलिस्टिक एनिमल फिगर्स एंड तो आप समझ सकते हैं स्क्रिप्ट है एनिमल है ये पहुँच जाने वाला है इसको बोला जाता है यूनिकॉन ये माइथोलॉजिकल है और ये इंडस्ट्रियल के बारे में नहीं है चाहे इजिप्शियन के बारे में बात करें नाइल के बारे में बात करें या फिर आप बाकी सिविलाइजेशन देखिए इंसिडेंट में तो ये दिखाया गया है कि खोस टाइप पर हुआ करता था जिसके ऊपर जो फोन था उसके यहाँ पर रखा हुआ था लाइक इधर ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है बस ये हमें देखने को मिलता है तो ये कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या उस टाइम पर रहा होगा बाद में एक्सीडेंट हो गया होगा लेकिन कोई भी कुछ ना कुछ ना मिलता उसके बोन्स फोर्सेज वगैरह मिलते अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है लेकिन कई सारे सिविलाइजेशन के अंदर सब के बात की गई है ठीक है यूनिकॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट नहीं थे अच्छा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उस वीडियो को जाकर देखेंगे जो मैंने आई बटन में डाली है तो उसके अंदर सब कुछ मैंने समझाया हुआ है ठीक है इसमें अगर बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन वर्स क्रेडिट टू टू की एस आई आर्कोलॉजिस्ट तो जॉन मार्शल तो मेन पर्सन थे डीजी थे उनके लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दयाराम साहनी जी इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है दयाराम साहनी सहानी वो द फर्स्ट एक्सटेड सड़प्पा इन ट्वेंटी रखल दास बैनर्जी आर डी बैनर्जी जो थे इन्होंने मोहन जगड़ो के बारे में बताया तो दोनों का नाम याद रखेंगे दयाराम साहनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है सो so, सोसानी फाउंड सीस पोट्री दैट इंडिकेट द इंडस्ट्री एडवांस सोसाइटी तो उन्होंने देखा गया सील्स मिल रही हैं पोल्ट्री मिल रही है बीट्स देखने को मिले तो इतनी अच्छी क्वालिटी की हमें देखने को मिली इसका मतलब क्या था कि हाईली किडवांस सोसाइटी सिंपल देखिए द द स्प्रेड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन हड़पन दिविलाईन स्प्रेड अराउंड वन पॉइंट फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़े एरिया में हुआ करती थी कवरिंग रीजन इन द मॉडर्न डे इंडिया तो अगर हम देखें कहां पर है इंडिया में देखने को मिलेगी कुछ साइट ज्यादा साइट इंडिया में है अगर कोई पूछ ले आपसे कि इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़्यादा साइट्स कहां पर देखने को मिली तो देन यू विल ऑलवेज से कि इंडिया के अंदर ज्यादा हैं नंबर ऑफ दाइट्स आर इन प्रेजेंट डे इंडिया ठीक है।, है उसके बाद सेकंड नंबर पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान सो so, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में साइड देखने को मिली है मेजर साइट कौन, कौन कौन सी हैं हड़प्पन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के नाम से बनाया क्योंकि बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट साइट फिर मोहनजोदाड़ो दाड़ो एंड धोला वीरा इसके बात की राखी गढ़ी ये भी फैक्ट याद कर लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि आज के टाइम में सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी साइट है तो इट इज द राखी गढ़ी कहाँ पर मिलेगी आपको हरियाणा में हरियाणा में एक जगह है जहां पर वाकई घड़ी ना मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन रानी तो घड़ी आपको सर्च करेंगे मिल जाएगी ये प्रेजेंट डे सबसे सब बड़ी साइट है इन टर्म्स ऑफ द एरिया ठीक है एंड गनवेरी एज वेल एज फाइव हंड्रेड अदर स्मॉल साइट्स इन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो आप समझ सकते हैं द सिविलाइजेशन रिचड पीक ड्यूरिंग द मेजर फेज तो तभी है लाइक uh, like, बोलते हैं ना कि एस साइड चलती है कोई भी तो इट इज ऑल द मेच्योर फेज तो यहाँ पर आपको देखने को मिले छब्बीस सौ बी टू दी नाइन हंड्रेड और नाइनटीन हंड्रेड बी सी विच आफ्टर विच इड वो डिक्लाइन एंड इवेंचुअली कॉलेज तो कोई भी चीज़ है कोई चीज स्टार्ट होती है उसके पीक पर जाती है फिर अल्टीमेटली उसको डिक्लाइन होना पड़ता है तो ये भी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला चैलेंजेस इन रिकॉर्डिंग द इंडस स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट तो ये सही चीजें आती है लैंग्वेज के बारे में हम सुना होगा कभी कभी लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट दोनों डिफरेंस क्या है देखिए लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज इज समथिंग मैं क्या बोलता हूँ हाउ आई स्पीक और स्क्रिप्ट इज समथिंग हाउ आई राइट मैं किसी भी चीज मतलब जैसे सिंपल है लैंग्वेज कौन सी हो सकती है इंग्लिश हो सकती है हिंदी कोई भी हो सकती है हम कैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज मैंड्रियन लाइक इटालियन फ्रेंच ये सब क्या है लैंग्वेज हैं स्क्रिप्ट क्या है कैसे लिखा जाता है जैसे लैटिन एक स्क्रिप्ट है यह हिंदी की बात करें हिंदी को स्क्रिप्ट नहीं है देवनागरी जो है देवनागरी जो है इट इज अ स्क्रिप्ट तो यहाँ पर है कि इनकी जो इंडस्ट्री स्क्रिप्ट हुआ करती दी थी उसको आज तक डेसीवर नहीं किया गया है ठीक है सो डिस्पाइट दिस एडवांस अचीवमेंट दल्पन स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिवर एडिंग टू द मिस्ट्री सराउंडिंग द सिविलाइजेशन अब हम समझ कैसे पाएंगे जो लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है ना पता कैसे रहेगा कुछ हम समझ पाए तभी तो बताएंगे ना लोगों को इटली बहुत वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ये प्रॉब्लम देखने को मिली है आर अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज बट नो ब्रेक थ्रू है इन डी डिकोडिंग दे आर रिटर्न रिकॉर्ड तो कई बार ट्राई किए गए ऑफकोर्स आज भी आर्कोलॉजिस्टोरियन ट्राई कर ही रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपर डिकोड नहीं किया जा पाया है एक क्वेश्चन ये आपके मन में आ सकता है कि सर ऐसा क्या है इंडस्वेरी सिविलाइजेशन में लाइक अगर हम बात करें बाकी सिविलाइजेशन में तो अब डिकोड कर लिया है डिकोड इसलिए हो गया एक वर्ड चलता है रोजेटा स्टोन रोजेटा क्या है एक्चुअली एक आपको एक स्टोन देखने को मिला और यहाँ पर क्या था कि एक लैंग्वेज थी जो न खुद की लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेट करा गया था लेटिन लैंग्वेज में तो मतलब ट्रांसलेशन आपको मिल गए तो उससे क्या हुआ लोग सिर्फ नहीं कर पाए चाहिए इसका मतलब ये है इस वर्ड का मतलब ये है लाइक बिकन रिज इज आर निक इंडिया के इसमें अभी तक रोजेटा स्टोन होने ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है जो ट्रांसलेट बताए तो इसलिए हमें बिल्कुल कोई लिंक यहाँ से जो लिंक है ना वो गायब है हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज इन दिकॉर्डिंग द लैंग्वेज अब ये बात की जाती है कि थ्योरीज़ क्या है अपन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने की कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि सरस्वती नदी हुआ करती थी जो अब तो ड्राई हो चुकी है कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्राई अप हो गई थी इंडस वैली सूख गई थी कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज था कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन कन्विजन हुआ तो बहुत सारी थ्योरीज़ है सो बाइंग ऑफ द इंडस एंड सरस्वती रिवर्स पॉसिबल पोज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन ये भी है कुछ रीजन के बारे में लोग बताते हैं बट एग्जैक्ट रीजन की कोई जानकारी नहीं है सो द एग्जैक्ट रीजन फॉर दी कॉलेब्स एंड रिमेन अनक्लियर बट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इंक्लूडिंग शिफ्ट इन वाटर सोर्सेज आर कंसडर्ड सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कुछ लोग ये बोलते हैं कि आर्यन साहब आर्यन ने खत्म करी सिविलाइजेशन कुछ लोग ये बोलते हैं ऐसा कोरोना फैला था ऐसा ही कोई बीमारी फैल गई होगी या कोई एपिडेमिक टाइप यापिडेमिक हो गया हो कुछ लोग ये बोलते हैं कि रिसोर्सेज खत्म हो गए थे फिर अल्टीमेटली जो मेन सिटीज थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए स्प्रेड आउट हो गए छोटे छोटे टाउन जो हैं वो कंटिन्यू रहे इवन कुछ आर्कोलॉजिस्ट तो यहाँ तक भी बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी डिक्लाइन ही नहीं करी लाइक कभी ख़त्म नहीं हुई है और ये वाली बात भी सही है ऐसे बहुत सारे जो वे ऑफ लिविंग था जो वे ऑफ लाइफ थी उनकी आज हम फॉलो करते हैं लाइक पोटोशिभा तभी पूजे जाते थे आज इन लोग उनकी शिव जी की पूजा करते हैं फिर कई सारी चीज़ें हैं लाइक जो तो रोड्स बनाई जाती हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो कि हम ये नहीं कह सकते हैं लाइक like, वहाँ पर नेचर वर्शिप की जाती थी आज भी नेचर वर्शिप की जाती है धरती माता की पूजा की जाती है तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट इस बात पर डिबेट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअली कभी एंड हुआ ही नहीं था इसने ट्रांसफॉर्म कर ली बट ठीक है सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं तो किसी आप हिस्ट्रो को समझेंगे वो अपनी बात रखेंगे दूसरे हिस्ट्री को समझेंगे तो अपनी बात रखेंगे तो ये आपके ऊपर है लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं डिस्कस कर ली है डिटी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर सर्च करेंगे तभी आपको मिल जाएगी आई बटन पर आपको मिल जाएगी ठीक है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए सो थैंक यू फॉर योर टाइम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय